माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये मेरे पास में TVS रेडियो ने सेल्फ नहीं ले रही है, न्यूट्रल बत्ती भी दिखा रही है, लेकिन देखो आप सेल्फ नहीं ले रही है, बैटरी फुल चार्ज है। इकोनॉमी और पावर लाइट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि ये बल्ब जो बार बार टिमटिमा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो ये बल्ब की प्रॉब्लम है। ये वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। लेकिन मैं सेल्फ के बारे में इसमें बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि सेल्फ नहीं ले रही है गाड़ी, सेल्फ नहीं ले रही है तो क्या समस्या इसमें हो सकती है। क्लच दबाने पे सेल्फ ले लेती है गाड़ी। जैसे मैं गाड़ी का क्लच दबाता हूँ और फिर सेल्फ मारता हूँ तो सेल्फ ले लेती है गाड़ी, अदरवाइज़ सेल्फ नहीं ले रही है। जबकि न्यूट्रल बत्ती दिखा रही है, बिना क्लच के यहाँ सेल्फ ले लेना चाहिए गाड़ी को। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको वायरिंग बता दूँ कि वायरिंग आपको कहाँ कहाँ से इसकी चेक करनी है, अगर इस तरह की आपके साथ में प्रॉब्लम आ जाए तो। यानी कि हमारे क्लच दबा के सेल्फ ले रही है तो बटन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट पूरा जा रहा है गाड़ी के अंदर। अब फिर भी आपको अगर करंट चेक करना हो तो मैं करंट आपको दिखा दूँ कैसे चेक किया जाता है। जहाँ हम अपनी बैटरी को चेक करते हैं, ये सॉकेट आ रहा है हमारा बटन से, जो हमारी ये ऑरेंज कलर की वायर है, ये हमारे ब्रेक्स उससे आती है और इसमें हमारा करंट रहता है, बैटरी वाला करंट रहता है। और ये करंट हमारा फिर ब्लू कलर की जो वायर है, बटन दबाने से ब्लू कलर की वायर में पहुंचता है और वायर ये जारी है हमारी रिले में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखला देता हूं कि हमारी ब्लू कलर की वायर में भी और इसमें भी जो हमारी ऑरेंज कलर की वायर है, इसमें भी पूरा करंट है बैटरी का। ये आप देख सकते हो, इसमें पूरा करंट दिखा रही है बैटरी का। बार बार सेल्फ लेने की वजह से ये थोड़ा करंट डाउन हो गया इसका। अब मैं बटन दबा के ब्लू कलर की वायर में आपको करंट दिखाता हूँ। इस समय तो नहीं दिखाएगी, जैसे ही बटन दबेगा तब दिखाएगी। तो मैं बटन दबा के ये देख सकते हो आप, बटन दबाने के बाद ये पूरा करंट दिखा रही है ब्लू कलर की वायर में। ये ब्लू कलर की वायर में मैंने लगाया हुआ था। अब इसके बाद आपने करना क्या है, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ में आए तो इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर ग्राउंड नहीं मिल रहा है, इसे रिले से ग्राउंड नहीं मिल रहा है। रिले को हमारा एक न्यूट्रल वाला ग्राउंड मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक वायर हमारी ब्लू कलर की स्विच से आ रही है और दूसरी वायर हमारी इश्यू से आ रही है। इश्यू मैंने इसका चेक कर लिया है। अब चेक कैसे करना है आपको कि ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ज़्यादा टच नहीं करना है इसको, बहुत हल्का सा एक बारी टच करना है। ऐसे जो हमारी ग्राउंड वाली वायर है उसको अर्थ पे लगा के फिर सेल्फ लगा के देखें आप। तो न्यूट्रल में भी इसने सेल्फ ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। अब ग्राउंड कैसे चेक किया जाता है ये भी मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ मल्टीमीटर में हमारा बजर बोलता है वहाँ पे आप मल्टीमीटर को सेट करके ऐसे, यहाँ हमारा बजर बोल रहा है, तो एक तार हमें इसमें लगानी है ग्राउंड वाली वायर में, यहाँ से सॉकेट निकाल के इश्यू का, जो इश्यू में वायर जारी है ये वाली, वहाँ पे लगा के दूसरी वायर मल्टीमीटर की चेक करनी है। अगर बजर बोल गया तो यानी तार बीच में से कहीं से डिसमिस नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, किस प्रॉब्लम क्यों है और कहाँ से है। तो न्यूट्रल बत्ती हमारी जलती रहती है तब भी गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है। अब न्यूट्रल बत्ती भी जल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके न्यूट्रल बत्ती जो जल रही है वो पूरा न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, इसको न्यूट्रल पूरा नहीं मिल रहा है। ये न्यूट्रल की वायर है हमारी, तो इसमें मैं एक वायर लगाता हूँ और पूरा प्रॉपर तरीके से मैं इसको न्यूट्रल देता हूँ। अब सेल्फ मार के देखता हूँ मैं इसमें, तो ये आप देख सकते हो हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। अब इसने सेल्फ ले लिया है, तो इसमें समस्या क्या है कि हमारी न्यूट्रल बत्ती भी जल रही है लेकिन तब भी सेल्फ नहीं ले रही है, और इसमें वायर लगाने से न्यूट्रल वाली वायर में वायर अर्थ पे लगाने से सेल्फ ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्विच है वो हल्का टच है हमारा यहाँ पे न्यूट्रल वाले स्विच में, उसमें रेगमार वगैरह लगाना पड़ेगा। आपकी साथ में इस तरह की समस्या अगर आए तो इस चीज़ को आप खोल के सफाई करके रेगमार लगा के फिर दोबारा से आप लगा दें। जो हमारा न्यूट्रल का स्विच होता है वो हमारा न्यूट्रल खाली बताने का काम ही नहीं करता है, सेल्फ से भी उसका संबंध होता है। तो मैं अभी इसको साफ़ करके, वीडियो को थोड़ा पोस्ट करके इसको साफ़ करके फिर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूट्रल में सेल्फ लेती है गाड़ी नहीं।
रेग मार वगैरह लगा के मैं बांधता हूँ फिर से। तो दोस्तों इस पर डस्ट जमी हुई है, आप देख सकते हो ये न्यूट्रल स्विच है हमारा, इस पर डस्ट जमी हुई है और इसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन करके साफ़ करके लगाता हूँ। धुंधने वगैरह की आपको इसमें चाहे ज़रूरत नहीं है, खाली इस पर रेग मार आप सही से लगाए। इस प्रकार आप इस पर रेग मार लगाए सही से करके, और फिर प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टार्ट होती है। अब न्यूट्रल सही दिखा रहा है, पहले भी दिखा रहा था लेकिन देखभाल लगाने से इसको पूरा न्यूट्रल मिल गया है और गाड़ी तुरंत से हेल्प मिल गई। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी की समस्या को दूर कर सकते हैं, सेल्फ की प्रॉब्लम को। न्यूट्रल कभी कभी दिखाता रहता है लेकिन काम पूरा नहीं करता। ओके, थैंक यू।